सर आदि पुरुष का टीजर कैसा? शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, रिकॉर्ड टूटेंगे वाकई में। गजब के VFX सीन देखने को मिल रहा है। अगर आप टीजर देखे, एक मिनट समथिंग का ही सिर्फ टीजर है, लेकिन आप देखिए एक सवा मिनट का भी नहीं है, जबकि पूरा इतने गजब के विजुअल देखने को मिल रहा है। मतलब आप देखिए, उन्होंने इतना कुछ दिखा दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीजर में इतना सब कुछ रिवील कर दिया जाएगा, लेकिन वाकई में वो जिस तरह से चल रहा है प्रभास, मतलब प्रभु श्री राम के किरदार में, एकदम परफेक्ट लग रहा है वाकई। उसमें कोई दो राय नहीं, आप कहीं से भी ये कह ही नहीं सकते कि थोड़ा सा भी डाउट कि यार ऐसा या वैसा, या जो पोस्टर देख के लग रहा था, मुझे भी कहीं ना कहीं पोस्टर देख के कमी लग रही थी कि मेकर्स ने पता नहीं क्या कर दिया होगा क्या नहीं, लेकिन फिल्म का टीजर देख के मज़ा आ गया देख के। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, वो था मुझे लगा था कि सैफ अली को जो है ये लोग दिखाएंगे सिर्फ ट्रेलर में, लेकिन उन्होंने उनका जो रावण वाला किरदार है वो इसी में रिवील कर दिया। मज़ा आ गया देख के। और एक सीन में हमने देखा उन्होंने पूरे 10 सरों के साथ भी दिखाया वो VFX, मगर कितने VFX देखने को मिल रहा है, बहुत ह्यूज स्केल पर बनी। और वाकई में जो मैं कह रहा था, पहले भी कह चुका हूँ मैं, कि भाई आप 20 लाख साल पुराना वक्त बता रहे, तो उसको कितने बेहतर ढंग से दिखा भी पाएंगे उस चीज़ को कि नहीं, तो वाकई में VFX के बल पे, VFX के साथ की वजह से वाकई में उसको दिखाया जा रहा है, वक्त वाकई में फील हो रहा है कि ये वो पुराना ही वक्त है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन विजुअल्स वाली गजब की फिल्म है बिल्कुल। मुझे सच कहूं तो मुझे वैसी वाइब्स वापस याद आ गई प्रभास को देखकर दोबारा, उसी तरह के सीन्स और वो देख के, पहली वाली जो बाहुबली फर्स्ट आई थी 2016 में, उसकी याद आ गई है। बेहतरीन होगी फिल्म, जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित होगी जनवरी में।